अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेपी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा टेक्नो कैमन 17 इनिशियल रिव्यू। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसको यूज़ करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए या नहीं। और बाकी मैं भी अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपको बता दूंगा, ओवरऑल आपको कैसे देखने को मिल जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहले दफा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कुछ ना कहीं वीडियो आए आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली है इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो इसका काफ़ी बेटर मिल जाता है। बैक की बात करें तो बैक साइड पे इसकी जो बैक है प्लास्टिक की मिलती है, लेकिन मैट फिनिशिंग में मिल जाएगी, कोई ग्लॉसी लुक नहीं मिलती, और यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट स्मजेज और स्क्रैचेज भी इजीली नहीं पड़ते। इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरा 17 की ब्रांडिंग मिल जाती है थोड़ी बड़ी सी। और इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप वर्टिकली और नीचे एक AI की ब्रांडिंग मिल जाती है, और उसके साथ हमें जो इसका क्वाड LED फ्लैश लाइट है वो मिल जाती है। बाकी इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी इसकी बैक साइड पर ही है। तो बैक साइड का ओवरऑल यहाँ पे डिज़ाइन देखा जाए तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे इसकी सिम ट्रे मिल जाती है, और यहाँ पे सिम सिचुएशन की बात करें तो फुल फ्लैश सिम स्लॉट मिल जाती है, यानी कि आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। और बाकी फ़ोन की राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम लॉकर कीज़ और उसके नीचे इसके जो पावर बटन है वो मिल जाता है। और यहाँ पे जो पावर बटन वॉल्यूम लॉकर कीज है यहाँ पे आपको लाइनिंग टेक्सचर मिल जाएगा, तो आप इन बटन्स को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। बाकी फोन की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे यहाँ पे इसके स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं, 3.5 mm जैक, इसका माइक्रोफोन, और यहाँ पे इसकी जो पोर्ट है माइक्रो USB की वो मिल जाती है। और इसकी जो फोन की ऊपर वाली साइड है वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, प्लेन मिलती है। और इसके अलावा फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे इसका पंच होल मिल जाता है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो इतना छोटा नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल देखने को मिल जाता है। तो इसका ओवरऑल ये इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन वाइज कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को नहीं मिली, ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। इसके अलावा हम इसके डिस्प्ले की बात कर लिया है तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 6.6 इंच का इसका डिस्प्ले है, और यहाँ पे जो एक IPS LCD लगाई गई है ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो HD+ की है, यानी कि 720x1640 पिक्सल्स की। लेकिन इसका जो हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसका रिफ्रेश रेट, इसके अंदर हमें जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है इसके जो व्यूविंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्मूथनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके अलावा जो चीन है इसकी वो थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, और जो बेजल्स वगैरह हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। तो ओवरऑल यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी इशूज़ कोई नहीं है, ओवरऑल डिस्प्ले इसका अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली अब इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है MediaTek का हीलियो G85। तो अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, पबजी के अंदर भी आपको 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे कोई भी हीटिंग इशूज़ भी माइनर से देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, लैग भी देखने को नहीं मिलता, आप उसके अंदर इजीली प्ले कर सकते हैं पबजी। इसके अलावा फ्री फायर भी फुल हाई सेटिंग पर रन हो जाती है, उसके अंदर भी कोई लैग देखने को नहीं मिलता। और इसके अलावा हैवी एप्स की बात कर लिया तो आप वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस वाली साइड से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। बाकी इसके वेरिएंट की बात कर ली है तो इसका जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला है, तो यहाँ पर रैम मेजरमेंट भी काफ़ी हद तक बस ठीक देखने को मिल जाती है। अब जो हैवी टास्क जो हैवी एप्स वगैरह हैं वो ये क्लोज कर देता है, बाकी रिसेंट एप्स के ऊपर रखता है, और जो इसके जो स्टोरेज है 128GB है, जो कि मोर देन एनफ है एक नॉर्मल यूजर्स के लिए भी, और बाकी अगर आप ज़्यादा गेम्स भी रखते हैं फ़ोन के अंदर तो वो भी आप रख सकते हैं, आपकी जो स्टोरेज है एनएफ है 128GB। तो ये आपको इसका वेरिएंट देखने को मिल जाता है 25,000 रुपीज़ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके बैटरी की, तो यहाँ पे जो इसकी बैटरी है 5000 mAh की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो फास्ट चार्जिंग है वो है 18W की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे अच्छा खासा बैटरी टाइमिंग मिल जाती है आपको, ये 1 से 1.5 दिन ईजिली निकाल देगा। अगर आप हैवी भी यूज़ करते हैं तो आपका 1 दिन निकल जाएगा, बाकी अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आप मैसेजेस वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपके 2 दिन भी निकल सकते हैं। तो बैटरी इसकी जो टाइमिंग है वो अच्छी है। बाकी बैटरी चार्जिंग टाइम की बात कर लिया है तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, तकरीबन 1.25 घंटे या 2.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। बाकी इसका मैंने बैटरी टेस्ट चार्जिंग भी बनाया हुआ है, बैटरी चार्जिंग टेस्ट, तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो इनका जो कस्टम UI है iOS 7.6 वो मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो फीचर्स वगैरह सारे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा, एड्स भी देखने को मिलेंगे, वो आप ब्लॉटवेयर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और एड्स को क्लोज भी कर सकते हैं, और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप वो भी चैनल पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, यहाँ पे कोई ऐसा लैग देखने को नहीं मिला, ग्लिच भी देखने को नहीं मिला, सॉफ्टवेयर इसका काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है इसके अंदर हमें, और फेस अनलॉक की बात करें तो वो जैसे ही सामने आप फेस करते हैं उसी टाइम ओपन हो जाता है, जबकि बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो वो भी काफ़ी अच्छा तेज परफॉर्म करता है, आप जैसे ही फिंगर टच करेंगे उसी टाइम ओपन हो जाता है, यहाँ पे कोई एनिमेशन कोई
माइनर सा डिले आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, 25,000 की डिवाइस है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो फेस अनलॉक है वो भी ठीक देखने को मिल जाता है, और इसका जो सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके कैमरास, तो कैमरा वाली साइड से भी काफ़ी बेटर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, और यहाँ पे इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी बेटर मिल जाती है। यहाँ पे स्किन टोन्स भी अच्छी मैनेज कर लेता है, बाकी बैकग्राउंड पे काफ़ी हद तक डायनामिक रेंज ये प्रोवाइड करता है। जबकि इसके HDR मोड की बात करें तो HDR मोड काफ़ी शार्प इमेज निकाल के आती है, यानी कि काफ़ी अच्छी इमेज निकल के आएगी। इसका बैकग्राउंड भी सारा जो फोकस में होता है और जो सब्जेक्ट है वो भी फोकस के अंदर होता है, तो इसका जो 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड भी है, आप बैकग्राउंड ब्लर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा बोके मोड, तो आप उसका भी सैंपल यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं वीडियो के अंदर हमें जो बोके मोड का इफेक्ट है वो भी मिल जाता है। बैक साइड पे यहाँ पे ब्लर आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और ये जो रिकॉर्डिंग है सिर्फ 720p के ऊपर हो रही है, तो यहाँ इससे ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यहाँ क्वालिटी की बात करें तो बोके मोड की जो क्वालिटी है वीडियो के अंदर काफ़ी बेटर मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिए तो यहाँ पे 3 रेजोल्यूशन मिल जाती हैं, 720p, 1080p और 2K, और उनके भी सैंपल्स आप ये देख सकते हैं। इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये देख रहे हैं फ्रंट कैमरे से हो रही है, 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, उसके अलावा 720p जो रेजोल्यूशन है इसकी वो है। बाकी आपको क्वालिटी इतनी को खास देखने को नहीं मिल रही, पिक्सेलेटेड टाइप थोड़ी देखने को मिलती है। इसके बाद मैं आपको 1080p रेजोल्यूशन के साथ दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आप ये देख सकते हैं 1080p रेजोल्यूशन के साथ हो रही है, और यहाँ पे कुछ क्वालिटी बेहतर देखने को मिल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो डायनामिक रेंज है इतनी कोई फास्ट देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये है 2K के अंदर, आप यहाँ क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी बेटर मिल जाती है 2K के अंदर। और बाकी स्टेबलाइजेशन तो इसके अंदर देखने को मिलती नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा हिल भी रहा है, तो सारी वीडियो हिल रही है। बाकी माइक्रोफोन इसी का यूज़ हो रहा है फ्रंट कैमरे का, आप ये देख सकते हैं। तो आपके इनमें से जो भी पसंद है तो आप उसमें के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1080p या 2K के अंदर रिकॉर्ड करें, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर निकल के आएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसका ब्यूटी बोर्ड भी मिल जाता है फ्रंट साइड पे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो आपकी स्किन है वो सॉफ्ट कर देता है, वो भी काफ़ी हद तक, इतनी कोई ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करता, तो देखने में काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके बैक कैमरा की, तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, बाकी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस मिल जाएगा। बाकी मेन सेंसर की बात करें 48 मेगापिक्सल के मोड की, वो सेपरेट मोड है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो यूज़ होता है। तो तस्वीरें आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको काफ़ी बड़ी इमेज चाहिए, यानी कि आपको क्लोज करके देखना है, तो मेरा नहीं ख्याल उतना कोई फ़ायदा है। आप जो तस्वीरें वगैरह बाकी नॉर्मल लेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कैमरा 12 मेगापिक्सल से ही तस्वीरें कैप्चर होती हैं, और उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। इसके अंदर भी जो स्किन टोन्स हैं वो अच्छी तरह मैनेज कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर भी जो HDR मोड है वो भी काफ़ी अच्छा डिटेक्ट कर लेता है, फ्रंट और बैक दोनों को ही काफ़ी सारा जो शार्प इमेज है वो निकल के आती है। और इसके अलावा जो इसका पोर्ट्रेट मोड है इसके अंदर भी जो एज डिटेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, हेयर्स के पास से भी काफ़ी अच्छे जो एज हैं वो डिटेक्ट कर लेता है, बस हल्की सी डार्क स्टोन मिलती है इसके बैक कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में भी और फ्रंट कैमरे में भी, लेकिन वो इतनी पता नहीं चलती। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल के आता है जो तस्वीरें आप खींचते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्यूटी मोड है वो भी मिलता है बैक साइड पे, तो बैक साइड का ब्यूटी मोड भी काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, ज़्यादा सॉफ्ट स्किन नहीं करता, काफ़ी हद तक जो देखने लायक है वैसी तस्वीरें ये कैप्चर कर देता है ब्यूटी मोड के साथ भी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिए तो इसकी बैक साइड से यहाँ पे जो मेन सेंसर है यहाँ पे भी 2K की सपोर्ट मिलती है, 1080p और 720p, और जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मिल जाती है, और आप इन चारों के सैंपल्स आप ये देख सकते हैं। अब इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये बैक कैमरे से हो रही है 2K रेजोल्यूशन के साथ, बाकी इसकी क्वालिटी आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा जो माइक है ये इसी का यूज़ हो रहा है, टेक्नो कैमन 17 का। अब इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ हो रही है, आप इसकी जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं। इस टाइम शाम का टाइम हुआ है और बादल वगैरह आए हुए हैं, बाकी आपको जो कलर क्वालिटी है वो आप इसकी देख सकते हैं। इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 720p रेजोल्यूशन के साथ हो रही है, और यहाँ पे क्वालिटी आपको इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती, बाकी आपको भी देख के अंदाजा हो जाएगा। और इसके अलावा तीनों ही मोड हैं 2K, यहाँ पे 1080p, 720, आपको जो पसंद आता है आप उसको उसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो इसकी, बाकी इसके बैक कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके बैक कैमरे से बोके मोड के अंदर हो रही है, और यहाँ पे जो सिर्फ रेजोल्यूशन है 720 मिलती है, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन में आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बाकी जो इसकी बैकग्राउंड ब्लर है आपको उसका अंदाजा हो गया होगा, आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा जो नाइट मोड है वो दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है, फ्रंट और बैक दोनों के अंदर ही, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं है उसको यूज़ करने का, बाकी जो इसके सेंसर वगैरह हैं मोड वगैरह हैं वो अच्छे काम कर जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो का मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आप स्लोमो भी और फास्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इसके कैमरा देखा जाए तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फ्रंट और बैक दोनों ही काफ़ी अच्छे कैप्चर कर देते हैं पिक्चर्स वगैरह।
इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो 8.95 mm है, जो कि तकरीबन स्लिम ही देखने को मिलता है, इतना कोई ज़्यादा थिक देखने को नहीं मिलता। और इसकी हैंड फील की बात करें वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इसका वेट भी 190 ग्राम के करीब है, तो ये ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होता। ओवरऑल यहाँ पे इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है मेरे ख्याल से रिव्यू, बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल वर्डिक्ट की, तो मेरे ख्याल से जो ये स्मार्टफोन है टेक्नो कैमन 17 काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है सारे सिनेरियोज़ में। यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, कैमराज भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, बैटरी भी अच्छी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इसके जो कैमराज है मैंने पहले से बता ही दिया है, और बाकी इसकी जो हैंड फील है वो भी काफ़ी अच्छी है। और जो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो भी 25,000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट के साथ 23,500 या 23 का आराम से देखने को मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको बाय कर सकती हैं, बाकी आपके क्या ओपिनियंस है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।